हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंदा सेट करे। और आज की रेसिपी के लिए हम सबसे पहले धनिया को 3 चम्मच धनिया को पीस लेंगे दरदरा सा। यहाँ पे 1 कटोरी बेसन में 2 बड़े साइज का प्याज को स्लाइस करके डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। 1 चम्मच हम दरदरा धनिया भी ऐड कर देंगे इसमें। और यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, ऑप्शनल में आप हींग भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो आप सही समझ रहे हैं, हम यहाँ पे पकौड़े का बैटर बना रहे हैं। तो गाइस, आज की रेसिपी है पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो तेल जब गर्म हो जाए तब मीडियम फ्लेम में इसे पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो गाइस, पंजाबी कड़ी की जो खास बात ये होती है, इसमें बहुत सारा प्याज और बहुत सारा धनिया यूज़ होता है और डबल तड़का भी लगता है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो एक बाउल में हम 1/2 कप दही ले लेंगे। कड़ी बनाने के लिए आप जब भी दही यूज़ करें, खट्टी यूज़ करिए, उससे बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे 2 चम्मच हम बेसन ले लेंगे 1 चम्मच, और थोड़ा सा हम दरदरा धनिया ले लेंगे, थोड़ा सा हल्दी ले लेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, अदरक थोड़ा सा फ्लेवर के लिए यूज़ कर रहे हैं हम अदरक। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या कट करके इस तरीके से डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि दही का कोई लम्स ना रहे। एक पतला सा घोल रेडी करेंगे और इस तरीके से फेटेंगे। फेटने पर इस तरीके से ऊपर में झाग बनेगी, मतलब घोल रेडी हो गया है। अब कढ़ाई गर्म करेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मेथी दाना डाल देंगे, 1 चम्मच दरदरा धनिया डाल देंगे। फिर आप चाहे तो प्याज डाल सकते हो, मैंने स्किप कर दिया। अगर आप प्याज डाल रहे हो तो पिंकी सोने तक उसे फ्राई करिएगा। प्याज डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और वो कड़ी में घुल जाएगा पक के, तो मैंने स्किप कर दिया है। तो लो फ्लेम में कंटिन्यूस स्टर करिएगा पहला उबाल आने तक। उसके बाद 10-12 मिनट में अच्छे से पक जाएगी हमारी कड़ी। तो इसमें पकौड़ा ऐड कर देंगे और 5 मिनट इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। और फिर हम अभी तड़का के लिए तेल गर्म करेंगे, 2 लाल मिर्चें, करिया पत्ती और प्याज को हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। इस तरह से प्याज डालने से वो जो क्रिस्पीनेस है ना प्याज की, वो रेसिपी में अच्छा आता है, टेस्टी लगता है। और ये देखिए, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे और बहुत सारा धनिया पत्ती डाल देंगे और हमारी कढ़ी हो गई बनके रेडी चावल के साथ। इसे ट्राई करिए, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।